हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और आज जो मैं बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज जो मैं बोलने वाली हूँ वो है नेचुरल तरीके से अपने स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए, कैसे घर के प्रोडक्ट से, घर के ही सामानों से अपने स्किन को केयर किया जा सके, जिससे लॉन्ग टाइम तक आपके स्किन में ग्लोइंग, शाइनिंग और रिंकल फ्री जो होता है वो रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। पहला जो टिप्स है वो ये कि बेसन में मलाई और थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिलाएं और इसे मिला के अपने फेस पे अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसे सूखने दें। जब ये सूख जाए तो इसे पानी से धो लीजिए। इससे हमारे स्किन के जो है दाग धब्बा है वो मिट जाएगा और हमारे स्किन पे एक अलग सी चमक आ जाएगी, ग्लो आ जाएगी। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो है वो है गर्दन, हाथ और पाँव के लिए। ये सब हमारे जो हैं बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते, काले हो जाते हैं, तो इसके लिए है में हल्दी पाउडर और नारियल का तेल मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। गर्दन, हाथ और पाँव पे अप्लाई कीजिए। जब ये सूख जाए तो साफ पानी से इसे धो लीजिएगा। इससे जो हमारे गर्दन या हाथ पाँव पे कालापन पड़ जाता है वो दूर हो जाएगा। आगे जो पॉइंट है वो है बेसन में शहद और नींबू का रस मिलाएं और इसे अपने चेहरे पे और गर्दन पे अच्छे से अप्लाई कर ले। जब ये सूख जाए तो इसे धो लीजिए और इसे धोने के बाद जो है आपके फेस पे एक ग्लो आ जाएगा और फेस पे जो पिंपल्स होती है वो भी हट जाएगी। सन टैनिंग जो है हमारे लिए वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन मैं बताऊंगी। बेसन में हल्दी पाउडर और नींबू का रस मिलाएं और उसे अपने सन टैनिंग जहाँ पे हुआ है वहाँ पे अप्लाई कर दे। कुछ देर के बाद धो लीजिए। इससे हमारी स्किन का जो सन टैनिंग है वो दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि बेसन में थोड़ा सा दही मिलाइए और उसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसे धो लीजिएगा। इससे हमारा चेहरा गोरा हो जाएगा, निखरी निखरी हो जाएगी। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो है हमारे रिंकल से रिलेटेड। हमारे स्किन पे जो हमारे चेहरे पे जो रिंकल पड़ जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, बेसन में टमाटर का पेस्ट मिलाइए और उसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। और जब वो सूख जाए 15 से 20 मिनट बाद उसे धो लीजिए, तो जिससे हमारे रिंकल की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन फिर एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो है वो कंटिन्यू कुछ दिनों तक होती रहना चाहिए, ना कि आप एक दिन अप्लाई किए और कोई रिजल्ट नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। तो सही में वो एक दिन और दो दिन में कुछ नहीं होगा, इसे आपको कंटिन्यू रखना होगा। फिर इसका रिजल्ट देखिए और जब आपको रिजल्ट पॉजिटिव में लगे तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि कैसा रहा ये। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।